हमारा आज का स्टे है एट हमिंगबर्ड रिजॉर्ट एंड एग्जीक्यूटिव सुइट्स व्हिच इज लोकेटेड एट एक्टाबाद रोड छांगलागंज। कार पार्किंग कैपेसिटी इज अप टू 20 कार्स। हेलो व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट अमीर हमजा और आज हम आए हुए हैं छांगला गली गलियात में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं हमिंग बर्ड रिजॉर्ट एंड एग्जीक्यूटिव सुइट्स जहां हम स्टे करेंगे और इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करेंगे। तो चले मेरे साथ। Vibe of this resort reflects luxury, something that you don't find most often at hill stations. Lobby में almost 15 लोगों के बैठने की sitting capacity मौजूद है। Assalamualaikum जी। काम कैसे हैं? सब ठीक है? मैं ठीक ठाक, आप खैरियत से? अल्लाह करे। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज अवेलेबल है यहाँ पे? सर, स्वीट रूम है, इंटरनेशनल दो रूम है, ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव सुइट है, ठीक है, और दूसरा एग्जीक्यूटिव सुइट विद वैली व्यू। अच्छा, दूसरा एग्जीक्यूटिव सुइट विद वैली व्यू। वैली व्यू, जिसके सामने कश्मीर का भी है, सामने पूरा आगे टेरेस और कश्मीर का भी है। ब्यूटीफुल। और उसमें चार लोग अकोमोडेट करते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सिंगल रूम यहाँ पे नहीं है? नहीं, सिंगल रूम है, फैमिली सुइट। अच्छा, सुइट ही है। जी सी, ठीक है। तो आप पहली जो आपकी बेसलाइन कैटेगरी है उसके बारे में बताएं कि क्या क्या फीचर हैं उसमें। इसमें सर एग्जीक्यूटिव सीट जो मैंने आपको बताया वो है 20,000 प्लस टैक्स, ठीक है। उसमें भी चार लोगों का अंदर से इंटीरियर सेम, चार लोगों की स्पेस उसमें भी है, चार लोगों का ब्रेकफास्ट है, लेकिन उसमें व्यू का फर्क है। व्यू का साइड व्यू है, वैली व्यू नहीं, साइड व्यू, जंगल व्यू है। जंगल व्यू। अच्छा, पार्शियल व्यू जिसमें। राइट राइट राइट। और जो दूसरी कैटेगरी, दूसरा वैली व्यू है, उसका सामने पूरे वैली है, कश्मीर तक आपको सारे पहाड़ नजर आएंगे, वो 23,000 प्लस टैक्स है। उसमें चार लोगों का ब्रेकफास्ट, रूम में चाय कॉफी जो लगी है वो भी उसमें कॉम्प्लीमेंट। और लुक भी सेम? लुक सेम है, अंदर सारा सेम है, सिर्फ व्यू एक जैसी है। जी जी, सिर्फ व्यू का फर्क। आई थिंक फिर वैली व्यू के साथ जाया जाए। जी सर, कश्मीर का व्यू आएगा वहाँ से, तो एक्सप्लोर करते हैं उसको। जी जी, एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, चेक इन करें। ठीक है सर। ये आपका रूम का, थैंक यू। और वाईफाई जो है प्रोवाइडेड है यहाँ पे? जी जी, वाईफाई है, ठीक है। इन्वर्टर लगे दोनों रूम में, वाईफाई का पासवर्ड है गेस्ट 1234। ओके, स्मॉल में आएगा। इन्वर्टर लगे हैं दोनों रूम में, गीजर वाशरूम के अंदर ही लगा, और ब्रेकफास्ट सुबह आपका 8:30 से 10:30 तक बुफे होगा ऊपर हॉल। व्यूअर्स, बड़ी ही वेल फर्निश्ड प्रॉपर्टी है और ये बिल्कुल जब एंटर होते हैं आप तो आपको एक मिरर मिलता है यहाँ पे, स्टैंडिंग मिरर, ताकि आप अपने आप को देख लें। ये मैंने किसी होटल और प्रॉपर्टी में नहीं देखा आज तक। उसके अलावा आपकी जो रिसेप्शन है उसके बिल्कुल साथ ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल है, आई थिंक इट्स अ रेस्टोरेंट। येस, इट इज़ अ रेस्टोरेंट। और उसके साथ एक इन्होंने लाउंज भी दिया हुआ है जिससे अगेन वैली व्यू आता है। रूम कॉरिडोर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसके साथ एक लॉबी अटैच है जो कि काफ़ी बड़ी लॉबी है और जो क्लिनलीनेस है उसका ख़ास ध्यान रखा गया है। हमिंग बर्ड की टीम को इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए। उसके अलावा ये है कि यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त वॉल पेंटिंग्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। इन एवरी थिंग लुक्स ग्रेट। चलते हैं जी फिर अपने रूम में, चेक इन करते हैं। रूम 201। आई वेलकम यू ऑल टू माई रूम। हमिंग बर्ड एग्जीक्यूटिव सुइट की बड़ी वेलकमिंग फील है जी और यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो इट इज़ वेरी वेल फर्निश्ड,
यहाँ पे आपको मिलेंगे टू पोर्शंस, एक पोर्शन में आपको सिंगल बेड्स मिलेंगे दो, जिसमें आपको सिटिंग मिलेगी, दो सोफ़ाज जो हैं इनका कंफर्ट सबसे पहले चेक कर लेते हैं, वेरी कंफर्टेबल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेंटिंग भी लगी हुई है जो हमारी कल्चर को डिपिक्ट कर रही है, और साथ ही आप ये देखें यहाँ पे एक डोर है जहाँ से हम जाते हैं बालकनी की तरफ और आपको कश्मीर वैली व्यू जो है वो देखने को मिलता है। ओह वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक व्यू। थोड़ी देर तक आपको दिखाता हूँ मैं व्यू, पहले मैं बताता हूँ कि हमें बालकनी में क्या मिलेगा। बालकनी में आपको एक टेबल मिलती है, उसके साथ चार टेरेस चेयर्स मिलती हैं। अब चलते हैं व्यू की तरफ। अमेजिंग, क्या ही खूबसूरत व्यू है गाइस। व्यूअर्स, इस सुइट की फर्निशिंग की बात कर लेते हैं, तो आप ये देख रहे हैं ये साइड लैंप्स जो हैं बेसिकली ये सीलिंग के साथ माउंटेड हैं, हैंग कर रहे हैं, और आप अगर हेडबोर्ड इसका देखें तो हेडबोर्ड जो है उसके साथ क्विल्टिंग प्रोवाइडेड है आपके कंफर्ट के लिए। इस रूम में एक LCD है फॉर द ट्विन बेड। रूम अमेनिटीज हैं, स्पेशियस क्लोजेट है जिसमें जाय नमाज मिलती है, किबला की डायरेक्शन भी दी गई है। जीवा लाउंज एक डाइनिंग हॉल है जहाँ पे आप बैठ के लंच और डिनर कर सकते हैं, और ब्रेकफास्ट बुफे भी यहीं पे ही आपको प्रोवाइडेड है, और यहाँ से जो व्यूज़ हैं जंगल व्यू भी आता है, और साथ ही एग्जीक्यूटिव हॉल भी है जहाँ से आपको कश्मीर का व्यू पॉइंट आता है, जिसको ये कश्मीर वैली व्यू भी कहते हैं। तो मैं वहीं बैठ के लंच करूँगा, तो बस फिर मुझे भूख ही बड़ी लग गई है, तो फिर फ़ौरन से पहले अपना लंच शुरू करते हैं। चिकन बारबेक्यू स्टेक जो है वो तो आपको अक्सर कई जगह पे मिल जाता है, लेकिन वैली व्यू के साथ आपको सिर्फ हमिंग बर्ड में ये एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड द टेस्ट इज रियली गुड गाइस, रियली रियली गुड। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीवा लाउंज में, और इसका इंटीरियर डिज़ाइन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ग्रीनरी आपको नज़र आएगी, साथ आपको थोड़ा बहुत वुड वर्क जो है वो नज़र आएगा, और अगर आप इसकी सीलिंग देखें तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, हट के नीचे जो लाइट्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंगली प्लेस हैं, एक बहुत ही मैसिव हट ने इस लाउंज को कवर किया हुआ है, और ये देखें यहाँ पे एक शॉप भी है जहाँ पे टॉयज़ हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोवेनियर्स हैं जो आप यहाँ से शॉप कर सकते हैं। अब हम दाखिल हो गए हैं मास्टर रूम में। अच्छा, मास्टर रूम की जो फील है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मास्टर रूम के फ्लोर की, तो फ्लोर जो है वो वुडन फ्लोर है, लुक्स ग्रेट। अच्छा, इस रूम में आपको एक लगेज के लिए एक रैक मिलेगा, उसके साथ ही एक ड्रेसर मिलेगा जिसका ठीक ठाक बड़ा मिरर है, और इस ड्रेसर को आप ऑब्वियसली स्टडींग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आप देखें एक पेंटिंग भी आपको मिलेगी, ऑयल पेंटिंग की फील है, लेकिन ये ऑयल पेंटिंग नहीं है। इस रूम में भी आपको अगेन साइड टेबल्स के ऊपर कोई लैंप नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लाइट्स हैं वो आपको सीलिंग से हैंग करती हुई नज़र आएंगी, लुक्स फैंटास्टिक। बेड के डिज़ाइन की अगर हम बात कर लें तो अगेन वही क्विल्टिंग आपको नज़र आएगी, लेकिन इसकी जो कलर स्कीम है वो डिफरेंट है दूसरे रूम के बेड से। बेड कम्फर्ट चेक करते हैं, मास्टर रूम का बेड कम्फर्ट जो है
वो देखते हैं कि कैसा है। वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल। मास्टर रूम में आपको दो साइड टेबल्स मिलेंगी एज यूजुअल, वहां पे ऑब्वियसली एक साइड टेबल थी दो बेड्स के साथ। इस सुइट के मास्टर रूम में भी आपको एक मीडिया वॉल मिलती है एग्जैक्टली सेम साइज की, एलईडी जो है वो आपको मिलती है एक्सपीरियंस करने के लिए 40 इंचेस की। अच्छा, साथ ही देखें तो यहाँ पे दो सोफ़ाज भी आपको मिलते हैं, अगेन एग्जैक्टली सेम सोफ़ाज हैं, तो आई एम श्योर के कम्फर्ट एग्जैक्टली सेम होगा और एग्जैक्टली सेम ही है। व्यूअर्स, अब हम करने लगे हैं वाईफाई टेस्ट, देखते हैं जी कि यहाँ पे हमें क्या स्पीड मिलती है इंटरनेट की। 14.20, प्रिटी गुड, द स्पीड इज प्रिटी गुड। व्यूअर्स, अब हम चेक करेंगे कि हमें चाय कितनी देर में सर्व की जाती है इसको। जी, एक कप चाय भेज दें। थैंक यू। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस सुइट में एक वॉशरूम है जो दोनों रूम से कनेक्टेड है, वॉशरूम अमेनिटीज भी हैं और एक वाटर हीटर भी सिचुएटेड है, सो यू विल ऑलवेज गेट वार्म टैप वाटर एज पर योर रिक्वायरमेंट। इन 10 मिनट्स 16 सेकंड्स मेरी चाय मेरे पास। बहुत ठंड है व्यूअर्स, इट्स टाइम फॉर डिनर। रूम का टेम्परेचर तो बड़ा मज़ेदार था, लेकिन जो ये आपका रेस्टोरेंट है और ये वाला जो एरिया है, ऑब्वियसली क्योंकि हर तरफ ग्लास है, क्योंकि आपको व्यू बाहर का आता है, जिसकी वजह से जो ठंड है ना उसका एहसास आपको यहाँ पे होता है। व्यूअर्स, एपेटाइज़र में मैंने ऑर्डर किया है फिंगर फिश और मेन मील में मैंने ऑर्डर किया है चिकन चिली ड्राई। सबसे पहले मैं एपेटाइजर ट्राई करूंगा। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, ज़बरदस्त नींद रही, बहुत कंफर्टेबल नींद रही, किसी किस्म का शोर नहीं था और जो रूम टेम्परेचर था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था, सिंस आपको पता है गलियात में हम लोग आए हुए हैं और ठीक ठाक सर्दी है यहाँ पे, लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल रहा। फ्रंट डेस्क ऑफिसर से हमें पता चला था कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट बुफे ऑफर होता है, तो देखते हैं कि नाश्ते में हमें क्या क्या मिलता है। लेट्स गो। This my stay comes to an end. मैंने बड़ा enjoy किया हमिंग बर्ड रिजॉर्ट एंड एग्जीक्यूटिव सुइट्स में। हम इस प्रॉपर्टी को कैसे रेट करेंगे ये आप थोड़ी देर तक जानेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीक विद अनदर होटल। सी यू, खुदा हाफिज़। हम
हमिंगबर्ड रिजॉर्ट एंड एग्जीक्यूटिव सुइट्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे लिए रहा 4 out of 7. फ्रंट डेस्क रिसेप्शन 4, होटल क्लेनलीनेस 5, फ्री वाईफाई 5, रूम क्लेनलीनेस 5, ब्रेकफास्ट क्वालिटी 3, रेस्टोरेंट क्वालिटी 4, स्टाफ 6, फैसिलिटीज 3, कंफर्ट 4, लोकेशन 5, वैल्यू फॉर मनी 5. हमिंगबर्ड रिजॉर्ट एंड एग्जीक्यूटिव सुइट्स की ओवरऑल रेटिंग्स बनती हैं 4 stars. वेरी नाइस.